Good afternoon. Today we are going to discuss some questions related to those early topics. Okay. अच्छा आपने जो अभी पहले सॉल्व किया क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 उसमें गलतियाँ क्या हुई थी पता चल गया. Let us take some simple examples and find out. First of all, some very fundamental things. बेसिक डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कंप्यूटर में. इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट दूसरा डेटा टाइप है, और तीसरा क्या है डेटा टाइप, कैर. इंट में किस तरह की वैल्यूज रहेंगी, 5, -17 एटसेट्रा, इंटीजर वैल्यूज. फ्लोटिंग पॉइंट में किस तरह की वैल्यूज रहेंगी, क्या ये 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. अगर फ्लोट में लिखना है इसे तो हम हमेशा इसको 5.0 ऐसा कुछ लिखेंगे. डेसिमल पॉइंट लगा देने से जो वैल्यू होती है वो सी प्लस प्लस उसको फ्लोटिंग पॉइंट समझ लें. सो एनी वैल्यू लाइक दिस, माइनस 83.0 ई माइनस 10, ये पता है क्या वैल्यू हुई है, -83.0 इंटू 10^-10. ये दो तरीके से लिखे जाते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू जो प्रोग्राम में लिखेंगे हम. कैर वैल्यू किस तरह से लिखे जाएंगे, सिंगल कोट उसके बाद कोई भी एक कैरेक्टर जैसे बी सिंगल कोट, वो सिंगल कोट के बीच में जो भी हम कैरेक्टर लिखेंगे वो कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगी उसकी. ठीक है, इस टाइप के हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में. तो किस तरह से करेंगे, जैसे लिखेंगे हम इंट एम कॉमा एन कॉमा क्यू फ्लोट एक्स कॉमा वाई कैर से टी. इस तरह के डिक्लेरेशन हम कर सकते हैं प्रोग्राम में. इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो मेमोरी अलोकेट कर देगा इन वेरिएबल्स को. ये अगर आपकी मेमोरी हुई तो इंट एम लिखने से एम के लिए एक लोकेशन आ जाएगा यहाँ पे. कितने बाइट्स होंगे उस लोकेशन में, एम में एम कितने बाइट्स कवर करेगा, नहीं 4, इंटीजर होता है वो 4 बाइट कवर करेगा. एन उसी तरह से 4 बाइट्स कवर करेगा. उसी तरह से क्यू कवर करेगा. ये जो फ्लोट है उसके भी 4 बाइट्स लगेंगे. एक बाइट यानी कितना होता है, 8 बिट्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 0000000, बराबर. और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1111111. ये अगर हम इंटीजर में लिखें तो ये वैल्यू इस तरह से होगी. इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट आती है 0 और इसकी वैल्यू आती है 2^8-1. 2^8-1 कितनी हुई डेसिमल में, 2. यानी एक बाइट में अगर आपको इंटीजर वैल्यू रखना है तो छोटी से छोटी 0, ज़्यादा से ज़्यादा 255 रख सकते हैं. 4 बाइट जब लगाएंगे, इंट बताएंगे आप, इंट बोलेंगे किसी चीज़ को, तो इंट वेरिएबल जो है वो
ऐसे चार बाइट में भर जाए, तो यहाँ पे इसकी एट एट बिट्स होंगी, यहाँ पे एट होंगे, यहाँ पे एट होंगे, यहाँ पे एट होंगे, तो कुल कितने बिट हो गए? 32 बिट्स। अब अगर इसी तरह से हम इंटीजर नंबर 32 बिट में रखना चाहें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सब जीरोज, और लार्जेस्ट नंबर सब वन, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो जाएगा ज़ीरो और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2^32 - 1। वो ये अलग अलग नंबर नहीं पकड़ेगा, ये पूरा का पूरा मिलके एक नंबर पकड़ेगा, तो पूरा का पूरा एक नंबर हो जाएगा, तो 2^31 - 1, ये लार्जेस्ट वैल्यू है जो इंटीजर में रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये खाली पॉजिटिव वैल्यूज हुई, हम -17 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं। अगर इंटीजर इस तरह से खाली 0 to 2^32 - 1 हो तो निगेटिव नंबर नहीं जाएंगे, तो निगेटिव नंबर को कैसे कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए इंट जब भी हम बोलते हैं तो इंट जो है इस तरीके से नंबर नहीं लिखता, वो क्या करता है कि पहली जो बिट होती है उस बिट को बोलता है साइन बिट। ये सर्किट जो होते हैं कंप्यूटर के, इस तरह अरेंज किए रहते हैं कि 32 बिट का कोई भी नंबर आएगा तो पूरे 32 बिट को इंटीजर नंबर करके नहीं लेगा। अगर उसे बता दिया कि भाई ये इंटीजर नंबर है तो पहली बिट को पकड़ेगा साइन बिट और बाकी बिट्स में नंबर की वैल्यू रखेगा। अब ये साइन बिट हो सकती है 0 या 1, तो 0 को वह समझता है प्लस और इसको समझता है माइनस, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई इसमें? अब खाली 31 बिट्स बचे, तो पूरा 1111111 भी आप लिख देंगे तो 2^31 - 1 हो जाएगा। ये तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है और प्लस और माइनस हो सकती है वैल्यू। क्यों? अगर ये 0 हुआ और पूरे 1 लिखे तो प्लस इतना, और ये 1 हुआ और पूरे सब लिखे 1111 तो हो गए निगेटिव इतना। तो इस तरह से इंटरप्रेट कर ले। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस रिप्रेजेंटेशन में कि 0 वैल्यू जो है उसके दो रिप्रेजेंटेशन होंगे। कैसे? एक तो 0 और फिर सब 0 0 0, और दूसरा 1 और फिर सब 0 0, यानी इसका मतलब हुआ प्लस 0, इसका मतलब हुआ माइनस 0, ठीक है। लेकिन ये तो गड़बड़ है, किसी एक वैल्यू के दो रिप्रेजेंटेशन किस लिए चाहिए हमें? कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है। प्लस 0 और माइनस 0 का मतलब तो वही है। तो इसके लिए कंप्यूटर जो है एक इंटरनल फॉर्म यूज करता है विच इज कॉल्ड 2's complement representation। ये 2's complement representation में जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो तो इसी तरीके से होती है, लेकिन निगेटिव वैल्यू में जो 100 जो आता है इसको वो -0 नहीं पकड़ता, उसको -1 पकड़ता है सीधा, फिर -2 -3 -4। तो इसलिए इसकी जो टोटल रेंज है +2^31 - 1 से -2^31 तक पहुंच जाती है, क्योंकि एक नंबर बढ़ गया इस तरह। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, 2's complement form क्या है, हमें जानने की जरूरत है। लेकिन इतना समझ लें कि 2's complement form में इंटीजर नंबर इंटरनली रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इंटरनली कंप्यूटर विल यूज दैट फॉर्म टू रिप्रेजेंट। देर आर बुक्स विच विल डिस्क्राइब व्हाट इज 2's complement, यू कैन रीड अबाउट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ यू हैव ए 32-bit इंटीजर, देन ए 32-bit इंटीजर will have a range from -2^31 to 2^31 - 1। यह लार्जेस्ट नंबर का रहेगा और यह स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा निगेटिव। तो लार्जेस्ट नंबर तो पहले जैसा ही है 2^31 - 1, लेकिन माइनस साइड में एक नंबर बढ़ गया क्योंकि -0 जो था उसको उन्होंने दूसरे रेंज में कर लिया। अगेन यू डोंट हैव टू नो द रीजंस, इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द रेंज। अब ये रेंज काफी बड़ी है,
नॉर्मली इस रेंज से भी आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रिजल्ट जो है इस वैल्यू से बाहर ना हो जाए, है ना। रिजल्ट कब बाहर हो सकता है, दो बड़े नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट इंटीजर में नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि इंटीजर कैलकुलेशन करते टाइम ठीक से कैलकुलेट। अब फ्लोट को देखते हैं, फ्लोट में क्या पार्ट्स हैं। ये जैसे 5.0 लिखा है हमने, ये यहाँ लिखा है -83.0। तो फ्लोट वैल्यू जो है इंटरनली अलग तरीके से रिप्रेजेंट होती है। सॉरी, रेंज यानी छोटे से छोटा नंबर ये, बड़े से बड़ा ही है। -2^31 से चालू होगा और +2^31-1 तक लास्ट नंबर जाएगा। जैसे रेंज -5 से लेके +6 तक है मान लो, या +4 तक, इस टाइप ये रेंज हुई। इस रेंज में कोई भी वैल्यू हो वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है देखेंगे। ये जो फ्लोट नंबर है ये दो पार्ट्स में इंटरनली स्टोर किया जाता है, दो पार्ट्स में। कैसे स्टोर होता है इंटरनली, एक तो रहता है एम और दूसरा रहता है ई। ये दो इंटीजर नंबर है, दोनों इंटरनली स्टोर किए जाते हैं। शुरू के कई सारे बिट्स जो हैं अक्सर 24 बिट्स एम को दे दिए जाते हैं, और आखिरी के 8 बिट्स जो है वो ई को दे दिए जाते हैं। ये एम और ई कहाँ से आए, तो एम और ई ऐसे आए कि ऐसा मान ले कि कोई भी नंबर अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम डेसिमल में अगर हमने ऐसा लिखा 0.m × 10^e, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू इंटरप्रिट हो जाएगी। चार बाइट्स होते हैं, चार बाइट यानी 32 बिट्स। उन 32 बिट्स में से 24 बिट जो हैं वो m के लिए रिजर्व हैं और 8 बिट्स जो हैं वो e के लिए रिजर्व, क्योंकि e एक्सपोनेंट है और m मैंटिसा है। तो हमेशा जो नंबर अंदर स्टोर होगा वो मैंटिसा और एक्सपोनेंट के बाद साथ साथ स्टोर होगा। अब ये आप फर्ज कीजिए कि जब इस तरह से हम नंबर लिखेंगे 0.m × 10^e, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.124×10^6 या 0.317×10^-4, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ये हालांकि इंटीजर है, ये बड़ा इंटीजर, ये फ्रैक्शनल है पूरा का। अब इन दोनों को जो रिप्रेजेंट करना है तो इसमें एम क्या हुआ बताएं, एम हुआ खाली 1, 2, 4 और ई क्या हुआ 6, इसमें एम क्या हुआ 317 और ई क्या हुआ -4। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा होगा कि यहाँ पे लिखा जाएगा 1, 2, 4 और यहाँ पे लिखा जाएगा 6। दूसरा नंबर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, यहाँ लिखा जाएगा, सॉरी ये यह लिखा जाएगा 317 और यह लिखा जाएगा -4। मान लीजिए एक नंबर दिया -0.0004×10^-2। इसको किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो यानी एक बिट यहाँ भी साइन के लिए जाएगी, उसी तरह जो 8 बिट का एक्सपोनेंट है उसमें भी एक बिट साइन के लिए जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंट। अब ये एम किस तरह से लिखा जाए, यहाँ एम और ई क्या लिखा जाएगा, यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
जीरो 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 फोर और माइनस टू, बराबर, ये मैंटिसा है और ये एक्सपोनेंट है। लेकिन इस तरह से कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता, क्यों? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो जीरो फोर माइनस थ्री, वैल्यूज तो सेम ही है, पॉइंट जीरो 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 फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू इज सेम एज पॉइंट जीरो जीरो फोर टेन टू द पावर माइनस थ्री, विच इज सेम एज पॉइंट जीरो फोर टेन टू द पावर माइनस फोर, विच इज सेम एज पॉइंट फोर टेन टू द पावर माइनस फाइव। ये जो नंबर लिखा है हमने यहां पर, ये क्या इसके इक्विवेलेंट नहीं है? ये माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव, यही है ना नंबर? तो इसका मतलब जो मैंटिसा है वो हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अंदर एक्सपोनेंट की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा वैल्यू सही रखने के लिए। सो व्हाट द कंप्यूटर डज, इट विल ऑलवेज स्टोर द मैंटिसा, ऑलवेज स्टोर द मैंटिसा सच दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉन जीरो, यानी पॉइंट जीरो जीरो आप कैसा भी लिखे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम में आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट जीरो जीरो फोर ई माइनस सिक्स, बराबर, ये सही वैल्यू है कॉन्स्टेंट। लेकिन जो इंटरनली स्टोर होगा ऐसे स्टोर नहीं होगा, वो क्या करेगा, मैंटिसा को सब पहले के लीडिंग जीरो हटा देगा फ्रैक्शन के, इसको बताएगा पॉइंट फोर, फिर एक्सपोनेंट एडजस्ट करेगा, इसका क्या होगा जाएगा एक्सपोनेंट माइनस एट हो जाएगा, और फिर वो फोर को एम्स करके स्टोर करेगा, माइनस एट को एक्सपोनेंट करके, यानी जो मैंटिसा स्टोर होगा उसमें जो पहला डिजिट होगा वह हमेशा नॉन जीरो होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट, यानी कितने भी जीरो हो वो उसको हटा के डेसिमल पॉइंट शुरू में मान के इमीजिएटली उसके बाद में जो है नॉन जीरो डिजिट रखे। अब एक और वैल्यू लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन बताएं आप क्या होगा, 3.17 ई माइनस फाइव, ये हमने वैल्यू लिखी, तो क्या लिखा जाएगा अंदर, इसमें एम क्या होगा? अच्छा चलिए, यहाँ पे 317 हो गया एम, और ई क्या होगा? माइनस फोर, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0.317 ई माइनस फोर। तो जैसे आप बराबर समझे, जो एम और ई है ये, प्लीज प्लीज, ये इसी तरह से लिखना चाहिए कि पॉइंट एम, यानी डेसिमल पॉइंट शुरू में माना जाएगा, ये होता नहीं है कहीं कंप्यूटर में, डेसिमल पॉइंट रहता नहीं, स्टोर नहीं होता, खाली एम और ई स्टोर होते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो सी प्लस प्लस उसको बोलता है कि भाई ये जो मेमोरी लोकेशन में नंबर है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो सर्किट जो नंबर लेंगे वो अपने आप पता कर लेंगे कि ये पहले 24 बिट जो है वो मैंटिसा है, अगले 8 बिट जो है वो एक्सपोनेंट है, और इसी तरीके से उसको कैलकुलेशन करेंगे अपने आप, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम हमारे प्रोग्राम में या तो नंबर इस तरह से लिखें, या 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 खाली ऐसा लिखें, तो हमारे प्रोग्राम में जो भी नंबर आएंगे वो कंप्यूटर अपने आप कन्वर्ट कर लेगा इंटरनल फॉर्म। उसी तरह हम इनपुट वैल्यू देते हैं, इनपुट वैल्यू भी हम कोई भी ऐसी इस तरीके से दे सकते हैं, अंदरूनी जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करें। लेकिन एक बात आप समझ लें, आपको एक इंटीजर नंबर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐड करना है, तो क्या इसमें इस तरह से लिखा हुआ नंबर और इंटीजर में लिखा हुआ नंबर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो इसलिए रूल यह है कि इंटीजर नंबर को हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद दो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करे जाएंगे। अगर दोनों फ्लोटिंग पॉइंट हुए तो नेचुरल ऑपरेशन वैसा ही होगा, अगर दोनों इंटीजर हुए तो इंटीजर ऑपरेशन। भले ही दो इंटीजर आपने मल्टीप्लाई करे, बड़े इंटीजर बन गया, तो वो हम रख नहीं सकते, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेगा कंप्यूटर, नहीं रख सकते तो गलती दे देगा, ठीक है? तो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट ये अलग अलग हिस्से हुए। कैर जब बोलते हैं हम, तो कैरेक्टर जो है ये एक बाइट लोकेशन रहता है खाली उसका, और एक बाइट में क्या रहता है, इसकी ASCII वैल्यू डाल दी जाती है। ASCII बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और 0 to 255 हर एक जो वैल्यूज आ सकती है एक बाइट में, उसके हर एक के अलग अलग मतलब होते हैं।
तो कोई एक वैल्यू है उसका मतलब होगा कैपिटल बी, कोई दूसरी वैल्यू उसका मतलब होगा कैपिटल जेड, तीसरी कोई एक वैल्यू उसका होगा स्मॉल एक्स। हर जो सिंबल आप देखते हैं कीबोर्ड पे उसकी एक कोई तो भी वैल्यू रहती है ASCII कोड की जो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो हालांकि ये इंटीजर वैल्यू है और इसलिए आप इसको इंटीजर करके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कैर बोलने से उसका मतलब जो है कि भाई वो जो सिंबल है उसका या कोड है तो वो कोड उसमें रख दिया जाए। ये बेसिक ये हुए। अब इसके ऊपर आपको अगर सवाल पूछे जाएँ कि भाई एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करना है आपको, एक्सप्रेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, कोई भी आपने अनाउंस कर दिया इंटीजर एम एन क्यू एक्स वाई है और मान लीजिए आपने प्रोग्राम में लिखा इनपुट एम एन ओ सॉरी ये तीन वैल्यूज आपने पढ़ लिया कुछ तो, मान लीजिए आपने जो वैल्यूज दिए हैं वो हैं 4, 3 और 2.0, ये वैल्यूज आपने इनपुट किए रीड से। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, n की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 2.0। अब मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ q इज इक्वल टू m प्लस n, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, कंप्यूटर m की वैल्यू लेगा n की वैल्यू लेगा ऐड कर देगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 7, सो q हो जाएगा 7। उसे देखे आप y, हमने लिखा y इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाइड बाय x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.0 होगी। अब मान लीजिए हमने एक और डिक्लेयर किया फ्लोट से z और फिर प्रोग्राम लिखा z इज इक्वल टू m बटा n m डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय x, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू है 2.0, यह है 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.0, कितनी आना चाहिए 2. हाँ क्यों, तो ये फर्स्ट रूल है कि अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर हुए तो उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पे ये 4/3 है तो 4/3 है 1.3333 नहीं आएगा, ये खाली 1 आएगा क्योंकि ये दोनों इंटीजर। अगर आपको m और n में डिवाइड करना है, मान लीजिए x है ही नहीं, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे सही वैल्यू, आपको वैल्यू चाहिए 1.333 जो कि सही वैल्यू होगी अगर आप डिवीजन करेंगे 4/3 से, ठीक है 4/3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.3333 रिकरिंग 33 आ जाएगा, लेकिन m बाय n करेंगे तो आपको कभी वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको उसको मैथमेटिकली करेक्ट वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पे 4.0 लिख दें, क्या ये सही है, अगर इनपुट 4.0 देंगे आप पढ़ रहे हैं उसको m के लोकेशन में, m इंटीजर है, इंटीजर में आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं दे सकते, वो प्रोग्राम गड़बड़ कर देगा। एक इनका विचार है कि एक को फ्लोट कर दें, अगर m को फ्लोट कर दे या n को फ्लोट कर दे तो अपने आप हो जाएगा। ओके कोई दूसरा तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट p1 p2, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया फ्लोट। अब मैं अगर ऐसा लिखूँगा p1 इज इक्वल टू m, इससे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है 4, p1 हो जाएगा 4.0, यानी इंटरनली कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर अपने आप इंटीजर से, क्योंकि असाइनमेंट कर रहे हैं हम, तो ये फ्लोट हो गया। इसी तरह से हमने क्या, मान लीजिए p2 इज इक्वल टू n, p2 भी फ्लोट हो गया।
अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं जेड इज इक्वल टू पी वन डिवाइडेड बाय पी टू हो जाएगा, क्योंकि दोनों फ्लोट हैं। दूसरा तरीका देखें, हमने पी वन इज इक्वल टू एम कर दिया लेकिन पी टू वगैरह कुछ नहीं किया और सीधा लिखा जेड इज इक्वल टू पी वन डिवाइडेड बाय एन। अब क्या होगा, पी वन फ्लोटिंग पॉइंट है, एन इंटीजर है, तो डिवीजन कंप्यूटर बोलेगा मैं नहीं कर सकता हूँ, वो इंटीजर को फ्लोट में अपने आप कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके डिवाइड करेगा, तो डिवीजन जो है फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा बाकायदा। इसमें भी डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें भी सही उत्तर आ जाए। लेकिन इसमें मुझे एक कम से कम टेम्पररी वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट करना पड़ा। इसकी जगह एक और सुविधा सी प्लस प्लस में है, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट। टाइप कास्ट यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन लिखना है एम बाय एन, हम जानते हैं कि इस तरह से लिखेंगे तो गलत उत्तर आएगा, तो हमें एम को कन्वर्ट करना है उसी जगह पे। एक विचित्र तरीका यह है कि इसकी जगह हम ऐसा लिख दें जेड इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय 1.0 डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए क्या कर दिया हमने, कंफ्यूज कर दिया, कंपाइलर को बोला कि यह हमारा एक्सप्रेशन। अब वो m और 1.0 मल्टीप्लाई करना चाहेगा, 1.0 फ्लोटिंग पॉइंट है, m इंटीजर है, तो नेचुरली m को कन्वर्ट करेगा अपने आप और जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। फिर उस वो रिजल्ट तो m ही होगा क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को वो n से डिवाइड करेगा तो फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि n फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरीका, सबसे क्लीन तरीका जो है वो ऐसा होता है z इज इक्वल टू ब्रैकेट में फ्लोट और फिर m लिखें। इसका मतलब होता है कि आगे वाला जो आदमी है वो इंटीजर है मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको n से डिवाइड। ये भी तरीका, इसमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते। तो जिस तरह से एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करना है वो एक्सप्रेशन देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इंटरनली किस तरह से इवैल्यूएट किए जाएंगे और उस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकें। अब आपको एक सवाल जो हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है वो एक मैं यहाँ लिखता हूँ और आप उसके लिए प्रोग्राम लिखें। एक प्रोग्राम लिखिए, सिंपल है सवाल ये, तो लिखिए प्रोग्राम, देखते हैं आप सही लिखते हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए, प्रेसिडेंस याद है, कोई भी ऑपरेटर हो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, और अगर किसी समय आप एडिशन पहले करना चाहते हो डिवीजन बाद में करना चाहते हो तो ब्रैकेट में डाल दें उस चीज़ को। तो लिखिए प्रोग्राम,
ये देखिए जरा थोड़ा एक तरह एक मिनट के लिए, जनरली आप जब भी पूरा प्रोग्राम लिखने को कहा जाए तो ये कुछ लाइनें जो हैं अपने आप आपके पेन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है। कई बार आप लोग वो पूरा नहीं लिखते, या तो इंट मेन से शुरू कर देते हैं, या वो भी लिख रहे थे खाली एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अगर प्रोग्राम लिखना है तो पूरा प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो पूरा प्रोग्राम जो है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद एटलीस्ट एक कमेंट कि आप क्या कर रहे हैं उस प्रोग्राम। तो यहाँ क्या कमेंट लिखा मैंने, मुझे सोच के अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉब्लम था वही लिख दिया। प्रोग्राम टू कैलकुलेट वी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, ये मेरा काम कर रहा है प्रोग्राम। अब इसके बाद आप प्रोग्राम लिखें, तो लिखिए प्रोग्राम। ये एकदम सिंपल प्रोग्राम है, क्या करना पड़ेगा, कैसा आपका एल्गोरिथम कैसा होगा। वी इज इक्वल टू समथिंग ऐसा लिख देंगे सीधा, या कुछ और करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी यूजर से, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे आप, सी इन सी आउट से एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, हाँ प्रिंट करने के लिए सी आउट, तो सी इन कर लिया फिर प्रिंट कर लिया, लेकिन कैलकुलेट कहाँ, हाँ हाँ तो एल्गोरिथम नहीं बताइए आप पूरे स्टेप्स कैसे लेंगे आप। तो पहले एक इनपुट ले लेंगे, हाँ फिर वी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद आउटपुट लिख देंगे, सिंपल है ठीक है। तो इनपुट स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल गलत है, एक्स कौन है आपको मालूम है, मुझे मालूम है, सी प्लस प्लस को मालूम है क्या, एक और आदमी लगेगा यहां पर, बिना भूले ये पहले लिखना डेफिनेशन वेरिएबल्स की, नहीं तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा ठीक। उसके बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इनपुट लेना हो तो उसके पहले यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, भाई हमको अमुक अमुक वैल्यू चाहिए, वी वांट सच एंड सच वैल्यू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, सी आउट डबल कोट गिव वैल्यू ऑफ एक्स डबल कोट सेवन, ठीक है ये स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा अब बताइए आप एक्सप्रेशन जो है वी के लिए कैसे लिखेंगे, किसी ने लिखा एक्सप्रेशन, देखें यहां लिखते हैं उसको, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, चलिए देखते हैं इसको कंपेयर करते हैं। ये जो लिखा है इसमें ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, यानी तीन हिस्सों में बढ़ गया एक्सप्रेशन, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अच्छा अभी ये हिस्से अलग अलग कैलकुलेट होंगे, इसमें क्या कैलकुलेट होगा, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट वन अपॉन एक्स, यानी ये कैलकुलेट हो गया, प्लस एक्स तो ये कैलकुलेट हो गया, ये पूरा का पूरा एक वन से डिवाइड करो, वन को इससे डिवाइड करो ये हो गया, इस पूरे सॉल्यूशन को एक्स में ऐड करो ये हो गया,
फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसको वन से डिवाइड करो, ये हो गया, आ गई वैल्यू। और इसको फिर बाद में वन में ऐड करना है, तो कहाँ गलती है? क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये इसलिए चलेगा कि x प्लस वन बाई एक्स जो लिखा है हमने, इसमें डिवीजन पहले होता है तो वन बाय एक्स पहले हो जाएगा, x प्लस वन पहले नहीं होगा, दैट इज ऑटोमेटिकली गारंटी। हालांकि अगर आप चाहे तो और ब्रैकेट लगा सकते हैं। उसी तरह इसको देखिए उल्टा करते हुए कि सही आ रहा है कि नहीं, x माइनस वन बाय एक्स लिखा है, इसमें वन बाय एक्स पहले होगा, ये वन बाय एक्स हुआ, फिर x माइनस वन बाय एक्स ये हो गया, फिर ये ब्रैकेट में डाल के पूरा वन अपॉन ऑल ऑफ दिस तो ये हो गया, फिर x माइनस इतना तो ये हो गया, फिर इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल के x अपॉन दिस तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, कहीं भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। इनके राइटअप में खाली एक ही गड़बड़ थी, वो ऐसे थी, ये जो इन्होंने यहाँ लिखा था वो ऐसे लिखा था x माइनस वन अपॉन एक्स ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट, जिसे अपन लिखते हैं ना छोटा अंदर का ब्रैकेट छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, वो कंप्यूटर में ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट नहीं होते, एक साइज के रहते सब, तो इसलिए एक साइज में लिखना भी आप लिखने की कोशिश वैसे ही कर, और वो जो मैच करता है कंप्यूटर इनर ब्रैकेट आउटर ब्रैकेट। अच्छा, एक दो तीन सजेशन, अगर फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ कांस्टेंट वैल्यू जैसे वन है और आपको गारंटी नहीं है कि वो अपने आप कन्वर्ट होगा कि नहीं, यहाँ पे लकीली सब सही हो रहा है, देखिए वन अपॉन एक्स लिखा है, वन इंटीजर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, एक्स फ्लोटिंग पॉइंट, चूंकि एक्स फ्लोटिंग पॉइंट है इसलिए अपने आप वो वन अपॉन एक्स हो जाए। मान लीजिए एक्स अगर इंटीजर होता तो आपकी वैल्यू सही नहीं आती, वी फ्लोटिंग पॉइंट है लेकिन एक्स इंटीजर है तो नहीं चलेगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में जब एक्चुअल प्रॉब्लम हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट, दैट मीन्स यू वॉन्ट ऑल फ्रैक्शनल वैल्यूज टू बी कैलकुलेटेड, देन कॉन्स्टेंट्स लाइक वन शुड ऑलवेज बी रिटर्न एज वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट, दिस ऑटोमेटिकली मेक्स इट ए फ्लोटिंग पॉइंट, तो कोई गड़बड़ कभी होगी नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट ही है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप सब बराबर लिख सकते हैं, इस टाइप का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा तो चलिए, या एक्स इक्वल टू जीरो किया तो आपका यहाँ तबला बच जाएगा, वन अपॉन जीरो पता नहीं क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन करेंगे तो कहाँ गड़बड़ आ जाएगी, एक्स माइनस वन में जीरो आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन वन वन माइनस वन, इस तरह के वैल्यू के लिए कंप्यूटर गलत उत्तर देगा क्योंकि उत्तर ही नहीं है। तो अगर जो प्रॉब्लम है उसमें कोई वैल्यू ऐसी दी जाती है कि जिससे उत्तर निकल ही नहीं सकता आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम में, तो कंप्यूटर कोई मैजिक तो नहीं करेगा, वो गलती दे देगा। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, फिर ये बताइए कि कौन सी वैल्यू एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ठीक से कैलकुलेट नहीं होगा। अभी जैसे इन्होंने उत्तर दिया उसका मैं प्रश्न बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट इनटू ए क्वेश्चन, विच इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी कैलकुलेटेड करेक्ट। सो देर आर टू वैल्यूज, वन इज जीरो, बिकॉज इफ इट इज जीरो वन अपॉन जीरो इज नॉट कैलकुलेटेबल, और इफ इट इज वन then this will become 1, 1 minus 1 will become 0 and you will have again a problem. So for x equal to 0 and for x equal to 1, this program will not work. ये सोचना बहुत जरूरी है और अच्छा है कि जब भी आप एक्सप्रेशन लिखें तो ताबड़तोब दिमाग में विचार करें कि कहाँ नहीं चलेगा ये प्रॉब्लम, और वो नोट कर लें। तो उसको नोट कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे एक और आप कमेंट लिख सकते हैं, program will not work for x equal to 0 and x is equal to 1, say 0.0, एक कमेंट लिख दे, तो मतलब ये पता चल जाएगा दुनिया को कि आपने सोचा है इसके बारे में, दैट इट विल नॉट वर्क फॉर दिस। ओके, अभी मैं दूसरा प्रॉब्लम देता हूँ आपको।